हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज नया वीडियो मैं लेके आया हूँ। ये इस लेक्चर में पता है आप क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम रिलेशन बनाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में। रिलेशन आप कुछ उल्टा सीधा ना समझें, ठीक है ना। अरे वो नहीं, तो आप समझ रहे हो वो नहीं, ठीक है ना। रिलेशन बनाएंगे क्या है, किस बीच, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक रिलेशन निकालेंगे इसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में। उससे हमें क्या क्या पता चलेगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नई यूनिट मिलेगी, ठीक है, और एक स्टेटमेंट मिलेगा जो हमें हेल्प करेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं लेक्चर। हेडिंग लगा लीजिए, क्या लगाएंगे हेडिंग, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में हम निकालेंगे क्या, रिलेशन, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम दो केस में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। दो केस बना लेते हैं, उसमें बढ़िया से इसको डिस्कस करके निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे कैसे रखेंगे, एक बार अच्छे से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को एक बार रखेंगे हम यूनिफॉर्म। क्या रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ना, बार बार चेंज नहीं होगी, बार एट द टाइम चेंज नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर एक बार क्या रखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब टाइम के साथ चेंज होगी क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जैसे 5 न्यूटन पर कूलम है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कितनी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी भी मान लिया ए है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कुछ समय बाद a+1 a+2 कुछ हो जाती है, ठीक है, किसी रेशियो से बढ़ रही है, यानी कि वो नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब यहाँ भी ए है, कुछ समय बाद भी आगे बढ़ गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ए है, थोड़ी देर बाद भी यहाँ ए है, हर जगह ए है, तो हर जगह क्या है, यूनिफॉर्म है। ए ए ए ए ए यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड भी ए ए, तो ये क्या हो गई, यूनिफॉर्म हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई। तो उसके लिए हम डिस्कस करेंगे। तो लगा लेते सबसे पहले केस फर्स्ट, इसके लिए यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी और उस पोटेंशियल के साथ हम निकालेंगे क्या, रिलेशन, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम निकालने जा रहे हैं क्या, रिलेशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी अपन यहाँ बना लेते हैं, ये बन गई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ज हैगा क्या, क्यू चार्ज है। अब इसके ऊपर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई, ई है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। यहाँ पर एक चार्ज रखा है, पर मुझे नहीं पता पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, पर एक चार्ज मान लेते हैं, यहाँ चार्ज रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको अपने साथ लेके जा रही है, अपने कहीं लेके जा, अपने साथ लेके जा रही, मान ले रहे, अपने साथ कब लेके जाती है बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर चार्ज जा रहा है तो क्या है, चार्ज क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बताओ, सोचो। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जा रहा है मतलब वो नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, रिपेल हो रहा है, इसके साथ जा रहा है। यहाँ पर कोई एक और चार्ज होगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, है ना, उससे अगर उसके साथ जा रहा है मतलब रिपेल कर रहा है, ठीक है ना, रिपेल कर रहा है। लेकिन अब ये नहीं पता ये वाला चार्ज पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो अपन नहीं बता सकते कौन सा है। अब ये मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ही जा रहा है चार्ज, लेकिन अपन क्या करा, मैंने कहा नहीं भाई इसको इधर नहीं लेके जाएंगे, अपन इसको इस साइड लेके जाएंगे, किस साइड, इधर लेके जाएंगे। चलो अपन ने लगा दी इसके ऊपर फोर्स कितनी, एफ एक्सटर्नल, मतलब एफ फोर्स लगा दी अपन ने, एफ एक्सटर्नल, मैंने कहा इसको उठा के अपन लेके चलते हैं इस तरफ, इसने कहा नहीं 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 हम तो उस तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाएंगे, क्या नहीं अपन यहाँ इसको आँव के साथ ले जाना, आपको हमारे साथ चलना है। तो अपन ने उसको इतनी फोर्स लगाई कि वो उसके साथ ना जाए, अपने साथ जाने लगे, ठीक है ना, इतनी फोर्स लगाई कम से कम रुक जाए यहाँ पर, उसके साथ ना जाए, अपने रुक लिया उसको, इतनी फोर्स लगा दी। तो क्या फोर्स होगी, वो फोर्स होगी, देखो यहाँ पर एफ एक्सटर्नल, यहाँ लिखते हैं एफ एक्सटर्नल, कितनी फोर्स होगी,
अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, इधर क्या पॉजिटिव, साइड क्या नेगेटिव, कितनी फोर्स लगा रहे क्यू ई, चार्ज क्या है क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जी क्या हो गई फोर्स, आ रहा है समझ में, ये मैं पढ़ा चुका हूँ। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट फर्स्ट चैप्टर का था, जो आपको अगर पढ़ना है तो आपको फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा या फिर फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। कहाँ से देखेंगे, सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल और इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद आप प्ले लिस्ट में जाके इस फर्स्ट चैप्टर की सारी वीडियोज़ देख सकते हो, उसमें मैंने बढ़िया से समझाया है फोर्स क्या होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज का अच्छे से डिटेल स्टडी है, ठीक है। चलो तो अभी यहाँ पर आ जाओ, एफ एक्सटर्नल कितना आ गया माइनस क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और अपन यहाँ से इस चार्ज को उठा के फर्स्ट से इधर सेकंड ला रहे हैं, यहाँ पर बीच का डिस्टेंस मान ले रहा है डेल्टा आर मान ले रहा है, ठीक है ना, चेंज इन डिस्टेंस यहाँ से यहाँ लेके चले गए, तो डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ डेल्टा आर का, ठीक है, आ गया समझ में। हाँ अब बताओ और क्या करा जाए, अब वर्क निकालते हैं, वर्क एक्सटर्नल कितना होगा एफ डॉट एस, याद करा एफ डॉट डी एस, याद करो इलेवेंथ क्लास, अरे भैया इलेवेंथ क्लास कहाँ याद दिला रहे हो, नहीं नहीं यार, क्या होता है एफ डॉट डी एस मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या होता है वर्क डन, ठीक है, तो एफ एक्सटर्नल इंटू वॉट डिस्प्लेसमेंट, लीनियर है 180 डिग्री पे, माइनस आ ही रहा है अपने साथ में इसके, ठीक है ना, अपने पहले ही लगा दिया है, ठीक है, तो वर्क एक्सटर्नल इक्वल्स टू व्हाट, ये क्या था माइनस क्यू ई वेक्टर डॉट ई वेक्टर। अब वर्क एक्सटर्नल क्या होगा, वर्क एक्सटर्नल क्या होता है, फर्स्ट लेक्चर में मैंने इसी चैप्टर की, इसकी सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसी चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में मैं अच्छे से बताया कि वर्क एक्सटर्नल क्या होता है, वर्क एक्सटर्नल होता है वी टू माइनस वी वन, वी टू माइनस वी वन क्या है चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट चार्ज, ठीक है, ये क्या है वर्क डन, ठीक है, ये आपको फर्स्ट अगर नहीं देखा अच्छे समझना है इसको डिटेल में तो फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा, किस चैप्टर का, इसी चैप्टर का, ठीक है। चलो यहाँ पर अपन वर्क एक्सटर्नल लिख लेते हैं, क्या है वी टू माइनस वी वन, वी टू माइनस वी वन, इस पॉइंट पे वी टू था, वी टू वी वन है पोटेंशियल, इस पॉइंट पे वी टू है, तो अपन माइनस कर दिया अपॉन चार्ज कितना है, चार्ज अपने को दिया है कितना है क्यू चार्ज है, ठीक है, माइनस क्यू ई वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है ना, आ तो रहा है ना समझ में, क्यों भाई आ रहा है समझ में, अरे भाई थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पर आपको ये इनटू में है ना, ठीक है, यहाँ पर ये इनटू में है, इनटू में लिखना है, ठीक है, यहाँ से क्यू कट गया, ठीक है, तो इसको लिख दूँ चेंज इन पोटेंशियल कैपिटल भी समझ जा रहा, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू माइनस ई वेक्टर डॉट ए डेल्टा आर वेक्टर, ठीक है जी, आ गया रिलेशन, ओ भाई ये बड़ा छोटा सा रिलेशन है, अपन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, नहीं भाई बड़ा काम का रिलेशन है, इसको अच्छे से लिखो, फिर नोट करो, फिर मैं समझाता हूँ इससे दो क्या क्या कई चीज़ें पता चल रही हैं अपन को, ठीक है, नोट करो। देखो दोस्तों यहाँ पर हमको इस रिलेशन से दो नई चीज़ें पता चल रही हैं, क्या नई चीज़ें पता चल रही हैं यहाँ बता दूँ, नोट कर लिया ना इसको अच्छे से, हाँ ठीक है, चलो इसको अपन मिटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं अपन रिलेशन, इससे क्या पता चल रहा है, पहला पॉइंट हमें सबसे पहले क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की हमें न्यू यूनिट मिल रही है इससे, क्या यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसको मॉड ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, यूनिट निकाले नेगेटिव पॉजिटिव का क्या मतलब है ना, डेल्टा वी मतलब ये क्या है चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, ठीक है ना, ये मिल रहा है, ठीक है ठीक है, ये मिल गया, तो इससे क्या पता चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो गई, ये पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है वोल्ट, वोल्ट, और ये क्या है डिस्टेंस है ना, ये डेल्टा आर क्या है डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या में होता है मीटर में,
एसआई यूनिट मीटर है ना, तो क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की नई यूनिट क्या हो गई, वोल्ट, वोल्ट पर यूनिट मीटर, ठीक है ना, वोल्ट पर यूनिट मीटर, ये क्या हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यू यूनिट। सबसे पहले आप ये नोट कर लो, है ना। और हमें क्या पता चल रहा है भाई, अब बहुत से बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये नेगेटिव कैसे आ गया, नेगेटिव क्यों आ रहा है ना, क्या के लिए नेगेटिव है, नेगेटिव का ही तो मीनिंग है इसमें, नया स्टेटमेंट इसी से बनेगा नेगेटिव से। क्या स्टेटमेंट क्या बन रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस से जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ठीक है ना, ऐसे जैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, ठीक है, तो वो पोटेंशियल के साथ कम हो रही, देखो नेगेटिव लगा, नेगेटिव क्या बता रहा है, डिक्रीज इन पोटेंशियल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, ठीक है ना, आ रहा समझ में। अब स्टेटमेंट इसका लिख देता हूँ, रुको, चल लिखते हैं स्टेटमेंट, यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको मिटा दूँ, एक काम करता हूँ इसको मिटा देता हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट मिल रहा है पोटेंशियल, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेस, जैसे जैसे पोटेंशियल कब डिक्रीज हो रहा है, जब डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, ये हमें इससे पता चल रहा है नेगेटिव से। जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है ना, इनटू डिस्टेंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे डिस्टेंस बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में अपन जा रहे हैं भाई, चल इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसे अपन पोटेंशियल है, मान लो मैं पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाते जाते पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम, ठीक है, क्या पता चल रहा है इस रिलेशन से, ठीक है। चलो भाई आप है ना फर्स्ट केस तो अपन डिस्कस कर लिया, अपन ने पता भी कर लिया क्या होता है पोटेंशियल डिक्रीजेस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये न्यूमेरिकल में बड़ा काम आता है भाई, इसको बिल्कुल तुम्हें दिमाग में रखना है, ठीक है। और ये आपको नई यूनिट मिल गई, यूनिट भी पता रहा, याद रखना क्या होती है, वोल्ट पर यूनिट मीटर, ठीक है। अब अपन सेकंड केस देखते हैं इसका, ठीक है, सेकंड केस, चलो हाँ, अब सेकंड केस इसमें नॉन यूनिफॉर्म क्या है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अपन निकालने वाले हैं क्या रिलेशन, ठीक है। चलो यहाँ पर बना देता हूँ फिगर, ठीक है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो आई टेढ़ी जा रही है, इसका चेंज हो रही है बार बार, ये ऊपर कभी नीचे है ना, इसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब अपन को कहाँ से कहाँ जाना है, फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन पे जाना है अपन को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को फेस करते हुए, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो अपन यहाँ से यहाँ फर्स्ट से इधर सेकंड, मान लो यहाँ से यहाँ जा रहा है अपोजिटली, ठीक है। चलो फिर क्या होगा, अपन को क्या निकालना है, पोटेंशियल रिलेशन, पोटेंशियल का बनेगा सबसे पहले डीवी, ठीक है, क्यों डीवी क्यों ले लिया, वी क्यों नहीं लिया, वी इसलिए डीवी इसलिए लिया क्योंकि देखो पोटेंशियल बार बार चेंज हो रहा है, अब इतने से डिस्टेंस के लिए तो पोटेंशियल सेम ही होगा, छोटा सा लिया ना डीवी, डीवी मतलब छोटी सा पोटेंशियल, इधर डीवी छोटा सा पोटेंशियल, ठीक है।
वो तो सेम ही रहेगा, वरना हर पॉइंट पे चेंज हो रही है ना, तो छोटे से पॉइंट ले लिया जहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है क्या पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज है तो पोटेंशियल भी चेंज होगा भाई, है ना। हाँ फिर रिलेशन क्या था याद करो, अपन को निकाल जब अपन पोटेंशियल निकाल रहे हैं, पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल छोटा सा पोटेंशियल है अपन पूरा पोटेंशियल निकालना है, तो छोटे छोटे को जोड़ देंगे तो पूरा पोटेंशियल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो कर दो इसको इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करते हैं, चलो इंटीग्रेटिंग dv फ्रॉम वेयर टू वेयर, यहाँ से क्या है v1 है, यहाँ v2 है, तो v1 यहाँ से v1 से v2 इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल निकालना है ना, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल, तो v1 से v2 इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब इंटीग्रेटिंग v2 v1, ठीक है। अब बताओ dv की क्या होगा एक्सप्रेशन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr ये होगा, क्यों क्या निकाला था रिलेशन पिछले अपन ने यूनिफॉर्म के लिए, ई डॉट डेल्टा आर, ठीक है यही था ना रिलेशन, था कि नहीं, तो वही अपन ने यहाँ रख दिया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से पोटेंशियल के लिए इंटीग्रेट ना करके अपन काय के लिए इंटीग्रेट करते हैं, डिस्टेंस के लिए इंटीग्रेट करते हैं, छोटा छोटा डी आर यहाँ से इंटीग्रेट हो जाएगा, क्या डी आर डिस्टेंस इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ R1 से R2 इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो यही आपका रिलेशन है किसका, पोटेंशियल का विथ इलेक्ट्रिक फील्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। नोट कर लो इसको, ये तक काम में नहीं आता, आपको रिलेशन यही याद रखना है, यही रिलेशन याद रखना है आपको, इससे ही न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, ये आपको ज़्यादा काम नहीं आने वाला, इस पर नहीं बनेंगे, मेन काम यही है इसका ही है, यही इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है ना। तो फिर आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है, लेकिन आपको NCERT जरूर करना है, NCERT नहीं करेंगे तो कुछ नहीं, NCERT क्या है अपनी भगवत गीता भैया, करना है उस उसी से ना सवाल लगाने हैं, उसी से नहीं लगाएंगे ना सवाल उसी से बनने हैं, और 20 मार्क्स के वो क्वेश्चंस भी आने हैं MCQ, वो भी तो करने हैं, उनके लिए किताब पढ़ लो भैया, क्या NCERT भगवद गीता, ठीक है। आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर का इंतज़ार करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, ठीक है, थैंक यू।